नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। एआईए डीएमके और डीएमके ने पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक। निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया पर आयोग के पूर्व प्रमाणन के बिना राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित न करने का निर्देश जारी करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। सेना के जवान विजय कुमार और सीआरपीएफ के प्रदीप कुमार पांडा मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित। मोजाम्बिक में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी समुद्री तूफान इदाई में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हुई। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 97 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके लिए प्रत्याशी 26 मार्च तक नामांकन भर सकते हैं। इनकी जांच अगले दिन 27 तारीख को होगी और उम्मीदवार 29 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण में तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, उत्तर प्रदेश में 8, असम, बिहार, ओडिशा में 5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू और कश्मीर में 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी में 1-1 सीट पर इस चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु में सभी 39 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में 18 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा के 18 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुडुचेरी में भी उसी दिन मतदान होगा। चेन्नई में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि इस महीने की 26 तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र भरने के सभी इंतजाम किए गए हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके संयोजक तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम और डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। एआईएडीएमके और डीएमके तमिलनाडु की राजनीति में भले ही कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उनके चुनावी घोषणा पत्र में कई समानताएं भी हैं। दोनों दल शैक्षिक ऋण को बंद करना चाहते हैं, तमिल को सह आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं, शिक्षा को सामान्य सूची से राज्य सूची में वापस लाना चाहते हैं, तमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश के लिए एनईईटी को निरस्त करवाना चाहते हैं। घोषणा पत्र में गोदावरी नदी से कावेरी नदी में अतिरिक्त पानी लाने सहित दक्षिण भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की बात कही गई है। इस बीच डीएमके ने कहा है कि वह अपनी अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को बंद करने की कार्रवाई करेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष दिल्ली से मैं योगेंद्र पाल सिंह। असम में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश साहू ने बताया कि इस चरण में 5 सीटों करीमगंज, सिलचर, दीफू, मंगलादाई और नौगांव में चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 21 से 24 मार्च तक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को होली मिलन समारोह के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। चुनाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में सीमा सुरक्षा बल की 4 कंपनियां पहुंच चुकी है। इन जिलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान जारी है। पटना और गया हवाई अड्डों पर खुफिया टीमें तैनात की गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार दाल। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख से 91 और 18 तारीख से 97 सीटों के लिए होने वाले पहले या दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष पार्टी नेता बैठक में भाग लेंगे। उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में 56 नाम हैं।
निर्वाचन आयोग ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वो किसी भी सोशल मीडिया पर बिना उसके पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने के बारे में निर्देश जारी करेगा। आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ आज बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि देश के इंटरनेट और मोबाइल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशवरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आगामी आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में बताया कि यह नारा दुनिया भर में ट्विटर पर काफी आगे चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 लाख लोग इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं और नमो ऐप पर 1 करोड़ लोगों ने मैं भी चौकीदार शपथ ली है। इस नारे की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग जमानत पर हैं और जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें ही इस नारे से तकलीफ हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। देखो देखो घड़ी है, ये सुनी तन्हा पड़ी है, ये जो समय का पूरा खेल है, दूजे हाथ बिना वो फेल है। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार। तो बढ़ चढ़ कर आगे आइए, जनतंत्र का फर्ज निभाइए। कोई भी महिला वोट देने से चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nbfc.in or call voter helpline 1950. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। थल सेना के सिपाही विजय कुमार और सीआरपीएफ के कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। असम राइफल्स के राइफलमैन जयप्रकाश ओराव और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। श्री कोविंद ने 16 वर्षीय इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र प्रदान किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 2017 में अपने घर पे हुए आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। राष्ट्रपति ने असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 26 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को जम्मू कश्मीर में उनके नेतृत्व में हुए आतंकरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। गुरुग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 80वीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि देश पुलवामा आतंकी हमले को भूला नहीं और न ही कभी भूलेगा। श्री डोभाल ने कहा कि संकट के समय जब भी बल भेजे जाने के बारे में बैठक और चर्चा होती है तो राज्य सरकारें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने की मांग करती हैं। इस बल को ऐसी साख बनाने में वर्षों की मेहनत लगी है। भारत को आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसमें सीआरपी का योगदान न था। सवाल ये नहीं था कि आपका डिप्लॉयमेंट हुआ, सवाल ये था कि जहां जहां आपका डिप्लॉयमेंट हुआ, आपने अपने को, अपने बल को और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित किया। आपकी इस गौरव गाथा के लिए देश आपके सामने नमन करता है। पुलवामा के शहीदों के प्रति सम्मान के कारण इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 19 मार्च 1950 को हुई थी, जब सरदार पटेल ने उसे ध्वज प्रदान किया था। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने इस अवसर पर कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ भारत के निवेश और व्यापार संबंध तेजी से बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने जम्मू क्षेत्र में आज नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा की गई अकारण गोलीबारी का करारा जवाब दिया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की उन सीमावर्ती चौकियों को नुकसान पहुंचा जहां से गोलीबारी की गई। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली परिषद की 34वीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद में अन्य मुद्दों के अलावा भवन निर्माण के क्षेत्र में जीएसटी दर के मुद्दे पर भी विचार किए जाने की संभावना है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण जीएसटी दरों में फेरबदल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के नए मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और उनके सहयोगियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि श्री सावंत गोवा के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करेंगे। गोवा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज पणजी के निकट पोरवोरी के राज्य सचिवालय में कार्यभार संभाला। श्री सावंत ने कहा कि कल बहुमत परीक्षण में उनकी सरकार को भरोसा है कि वो विश्वास मत हासिल कर लेगी। कल फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट अच्छी तरह से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गोवा प्रदेश को देना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। इससे पहले आशीष सावंत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री प्रमोद सावंत ने विधायक से विधानसभा अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा का श्रेय श्री मनोहर पर्रिकर को दिया। श्री सावंत ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में सुदीन धवलीकर और विजय सरदेसाई को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता श्री पर्रिकर द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करना होगा। मंत्रियों को जल्द ही विभाग वितरित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 सदस्यों के मंत्रिमंडल में भाजपा के 5, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 मंत्री हैं। 2 निर्दलीय विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। गोवा से सैकत सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं त्रिलोकीनाथ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। जिस शहर से चलती है रोजी रोटी हमारी, उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी है हमारी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस को स्वयं संभालनी होगी अपने कूड़े की जिम्मेदारी। शहर के सभी बड़े सार्वजनिक, सरकारी, आवासीय, निजी संस्थानों को जो रोज का 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा बनाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में ही कूड़े को अलग करना होगा। सूखे कूड़े को रिसाइकिलिंग के लिए निर्धारित संस्थानों को देना होगा और गीले कूड़े की प्रोसेसिंग स्वयं करनी होगी। ये कानूनन अनिवार्य है। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। मोजाम्बिक में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी समुद्री तूफान इदाई में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिपे न्यूसी ने राष्ट्रव्यापी संबोधन में कहा कि सरकारी तौर पर 84 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन यह संख्या 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1,00,000 से ज्यादा लोग अब भी तूफान की चपेट में हैं। पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में भी इदाई तूफान से 98 लोग मारे गए और करीब 200 से ज्यादा लापता हैं। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने मंत्रालय के सचिव से जेट एयरवेज द्वारा अपनी उड़ानें रद्द करने, अग्रिम बुकिंग, टिकट रद्द करने और रिफंड तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक बुलाने को कहा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने कल टेस्ट मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की। उत्तराखंड के देहरादून में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। क्रिकेट के परंपरागत फॉर्मेट में शामिल होने के 9 महीने बाद अफगानिस्तान ने टेस्ट मैच में यह जीत हासिल की है। उसने पहली पारी में 314 रन बनाए। दूसरी पारी में उसे जीत के लिए 147 रन की जरूरत थी, जो उसने 3 विकेट पर हासिल कर लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एआईएडीएमके और डीएमके ने पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक होगी। निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया पर आयोग के पूर्व प्रमाणन के बिना राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित न करने का निर्देश जारी करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। सेना के जवान विजय कुमार और सीआरपीएफ के प्रदीप कुमार पांडा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मोजाम्बिक में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी समुद्री तूफान इदाई में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।